तोड़ना बहुत आसान होता है और जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपके हाथ में कोई भी चीज हो, सपोज एक चॉक है, एक स्टिक है, एक पेंसिल है, उन्हें अगर आपको तोड़ने के लिए बोला जाए आप बड़े आराम से तोड़ दोगे, मगर उसी टूटी हुई चीज को अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए पॉसिबल होता है? धागे वाली कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी कि धागा तोड़ना बहुत आसान होता है, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और जोड़ने का तरीका कौन सा होता है? उसमें गांठ लगानी पड़ती है और वो गांठ हमेशा के लिए रह जाती है, फिर वो धागा पहले जैसा नहीं रहता। इसी तरह से हम लोगों के रिलेशंस भी होते हैं, किसी भी रिलेशन में उस रिश्ते को तोड़ना सबसे आसान काम है, मगर उसे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम जोड़ लेते हैं किसी तरीके सॉरी वॉरी बोल के, तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस गांठ को हजम कर पाते हैं, दिखती रहती है हर वक्त, गांठ है, गांठ है, गांठ है, मगर फिर भी बेहतर है गांठ पढ़ के भी जुड़ जाए तो भी बेहतर है इससे कि कभी ना जुड़े, राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कभी रिश्ता टूटे ही ना, है ना? अगर हम इतने समझदार हो जाएं, हमें पता हो कि टूटेगा एक बार तो जुड़ेगा नहीं और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग रिश्ते को तोड़े ही नहीं, ठीक है? अगर ये हो जाए तो सबसे बेस्ट है। तो आप लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता है? एक आप सब जो यहाँ पे खड़े हो, जो यहाँ पे नहीं भी हैं थर्ड पर्सन्स, चाहे हम दसुआ की बात करें या होशियारपुर या पंजाब या इंडिया या वर्ल्ड की बात करें, हम सबके बीच में एक कॉमन रिश्ता कौन सा है? हर धर्म क्या सिखाता है, क्या बताता है हमें? ईश्वर एक है ना? चाहे हम उसको अकाल पुरख का नाम दें, चाहे हम भगवान बोलें, चाहे हम अल्लाह बोलें, चाहे हम गॉड बोलें, हर धर्म ये मानता है कि ईश्वर एक है, ये शाश्वत सत्य है, सच्चाई है। उस एक ईश्वर को बांटा किसने है? हम इंसानों ने, ईश्वर ने तो नहीं बांटा ना, वो तो एक ही है। तो हम इंसानों ने बांटा, मगर उस ईश्वर के लिए हम सभी क्या हैं? उनकी संतान है ना? तो जब बाप एक है, पिता एक है, तो संतानें तो आपस में रिलेटेड हुई ना, फिर भाई बहन हुए ना, रिलेटिव्स हुए सारे के सारे, फिर किस बात का लड़ाई झगड़ा इस बात को लेके कि मेरा धर्म बेहतर है और तेरा धर्म थोड़ा लो लेवल का है, या तेरा धर्म अच्छा नहीं है मेरा धर्म अच्छा है, या मेरी जाति अच्छी है तेरी जाति अच्छी नहीं है। ये सब बातें तो बेकार हैं, बेमानी है। अगर हम इतनी सी बात समझ आए कि हम एक ही परमपिता की संतान हैं, सिर्फ हमने किन्हीं वजहों से अपने लिए कुछ डिफरेंट धर्म बना लिए, कुछ डिफरेंट जातियां बना ली, मगर उससे ये सच झुठलाया नहीं जा सकता, सच तो सच ही रहेगा ना, फाइन। तो वो रिश्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हम सबके बीच में एक रिश्ता कि हम एक ही परमपिता के संतान हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं, रिलेटेड हैं, दुनिया पूरी की पूरी। सिर्फ इसीलिए मैंने यहां की बात नहीं की, मैंने पूरे वर्ल्ड की बात की। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? इंसानियत। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर सब धर्मों से ऊपर किसी को रखना है, इंसानियत को भी एक धर्म मान के सबसे पहले उसको रखा करो, ठीक है? ये हम लोगों के पास चॉइस नहीं है, धर्म और जाति चुनने की चॉइस नहीं है हम लोगों के पास। ये कैसे मिलते हैं हम लोगों को? जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही हमारे साथ एक धर्म जोड़ दिया जाता है और एक जाति जोड़ दी जाती है। नेशनैलिटी भी ऐसे ही है, पंजाबी भी और इंडियन भी जन्म के साथ ही हमारे साथ जोड़ दिया गया। जब भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा, हमसे कोई चॉइस मांगी नहीं,
कोई चेकलिस्ट, कोई परफॉर्मा किसी ने फिल किया हो एज पर चॉइस की भगवान मुझे इस देश में, इस स्टेट में, इस धर्म और इस जाति के घर में पैदा करना। हम लोगों को चॉइस नहीं मिलती बेटा, हम लोगों को जस्ट जन्म मिलता है और जन्म के साथ ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, फिर कंपैरिजन शुरू होता है, कौन बेहतर, तू बेहतर या मैं बेहतर। मगर मैं सभी बड़ों से भी, आप लोग छोटे हो शायद आपके लिए ये बातें कईयों के लिए ऊपर से निकले, तो मैं बड़ों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरे कागज हैं, उस कागज पे लिखना है कुछ अच्छी इबारत लिखिए जिससे कल को ये एक हो, मुट्ठी बने, बिखरे नहीं। तो उसके लिए सबसे इजी चीज क्या है, सबको प्यार से यही समझाइए कि हम सब इंसान हैं, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करें, उस सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, इंसान से। सबसे पहले इंसान आया था धरती पे, कोई धर्म नहीं आया था, कोई जाति नहीं आई थी, और भेजा किसने था, हम सबके परमपिता ने, जिसको मैंने पहले ही बोला, चाहे हम अल्लाह बोलें, चाहे वाहेगुरु बोलें, चाहे हम अकाल पुरख बोलें, चाहे भगवान बोलें, चाहे गॉड बोलें, सबके लिए वो एक हैं। एक नूर ते सब जग उपजया। तो उस एक नूर को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले हम लोगों को एक होना है, इंसान बनना है, बाद में अपने अपने धर्म के लिए आपके मन में सम्मान है, होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी। आप अपने धर्म को मानो, आप अपनी जाति पे गर्व करो, आप अपनी नेशनैलिटी पे गर्व करो, मगर किसी दूसरे के धर्म, जाति या नेशनैलिटी को नीचा नहीं दिखाना कभी भी। उनको उस पे गर्व करने दो, वो उनका राइट है, और फाइनली बोलो कि कोई बात नहीं, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारी नेशनैलिटी अलग, मगर हो तो तुम इंसान ना, और मैं भी इंसान हूं, तो हम लोग एक हैं। लेट ह्यूमैनिटी टेक ओवर एवरीथिंग। इंसानियत को सबसे बड़ी है, उसको सबसे बड़ी रहने दो। ओके, जब भी आपस में एक दूसरे को देखो, एक दूसरे के अंदर इंसान को पहले देखो। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, अगर बाय चांस बाहर कहीं पे आपको बांटने का पाठ पढ़ाया जाता है, तो उस पाठ को बाहर छोड़ के आओ, कम से कम जब भी स्कूल के गेट के अंदर आ गए हो ना, तो इंसान बन के आओ, इंसान बन के ही जाओ। यहां पे जिसको देखो उसमें एक इंसान को ही देखो, बस। मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है, हम सब इंसान है। ओके, सो इंसानियत सबसे ऊपर, उसके बाद अपने अपने धर्म और जाति हमारे लिए, मगर दूसरे के लिए भी उनका धर्म, जाति, नेशनलिटी सबसे ऊपर है, इसलिए सम्मान सबका बराबर, तभी एकता आएगी। ओके, समझ आया छोटे बच्चों को भी? अच्छा, तो फिर हम सब क्या बनेंगे? इंसान बनेंगे, और हम सब कैसे रहेंगे? एक होकर रहेंगे, यूनाइटेड। ओके, रहेंगे? चलो, थैंक यू, टेक केयर।